हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ड्रॉ करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में व्यूज निकाले थे। मैं फिर से बताता हूँ कि आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का डिफरेंस का जो मेरा वीडियो है आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस अगर निकालने हैं तो आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का एग्जैक्ट डिफरेंस पता होना चाहिए। चलो अभी हम ड्रॉ करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शंस ट्रांसपेरेंट रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे टॉप व्यू ऊपर आता है और फ्रंट व्यू नीचे आता है। जैसे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू नीचे आता है और फ्रंट व्यू ऊपर आता है, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर की क्वाड्रेंट में आता है और फ्रंट व्यू नीचे आता है। और आता कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा? अगर ये फ्रंट व्यू है, ये जो एरो दिखा रहा हूँ मैं, ये अगर फ्रंट है तो ये रहेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा तो फ्रंट के लेफ्ट में ही आता है और राइट हैंड साइड व्यू रहेगा तो फ्रंट के राइट में ही आता है। फर्स्ट एंगल में उल्टा रहता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट के राइट में आता है, राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट में आता है, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा तो फ्रंट के लेफ्ट में आएगा। तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो फ्रंट के लेफ्ट में आएगा। अभी हम निकालेंगे, जिस तरह से हमें डायमेंशन दिया है उस डायमेंशन को लेकर हम ये ड्राइंग बनाएंगे। इस ड्राइंग में हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 12 mm और यहाँ से यहाँ तक का है 25 mm, तो दोनों मिलाकर होता है 37 mm। तो हम यहाँ पे अगर फ्रंट निकाल रहे हैं इस तरह से, ये यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है तो हमें ये हाइट दिखेगा 37 mm। तो मैं ये पॉइंट से यहाँ तक 37 mm का एक पॉइंट लेता हूँ, ये मिल गई हमें हाइट। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये है 25 + 25 + 25 = 75। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट लेता हूँ 75 mm पे, ये मिल गया। इसे मैं डार्क लाइन करता हूँ, यहाँ से भी मैं इसको डार्क करके लेता हूँ। अभी सॉरी, पूरा डार्क नहीं करना था, तो मैं पहले इसको ज्वाइन करके लेता हूँ इस लाइन को पैरेलल में। यहाँ से एक फेंट लाइन मारता हूँ, यहाँ से एक फेंट लाइन मारता हूँ, ये मिल गया हमें बॉक्स। अभी हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 12 mm। तो मैं यहाँ से 12 mm का पॉइंट लेता हूँ और इस पॉइंट से मैं फिर से एक फेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। अभी हमें ये ड्राइंग में दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 25 mm, यहाँ से यहाँ तक 25 mm, यहाँ से यहाँ तक 25 mm। तो मैं इस लाइन पे 25 mm के तीन पॉइंट लूँगा, ये 25 mm, यहाँ पे 25 mm और बीच का जो रह गया वो 25 mm। अभी यहाँ से फ्रंट से देख रहे हैं तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन सब हमें डार्क दिखने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट्स हमने मारे हैं इसको हम डार्क करके लेंगे। पहले तो मैं ये लाइन डार्क करके लेता हूँ, ऊपर की डार्क करके लेता हूँ, और ये जो पॉइंट्स मिले हैं 25 mm के ये भी मैं ज्वाइन करके लेता हूँ। इस तरह से ये वाली ये डाउन साइड दिखेगी हमें, ये फ्रंट से देख रहे हैं तो इसी तरह से दिखेगी। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 20 mm, तो मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेता हूँ 20 mm, और ये लाइन यहाँ पे जॉइंट हुई है यहाँ से 20 mm डिस्टेंस पे। आप देख सकते हैं यहाँ से 20 mm डिस्टेंस पे ये जॉइन हुई है। तो यहाँ से हम देखेंगे फ्रंट से तो हमें ये यहाँ जॉइन दिखेगी, लेकिन कहाँ पे? 20 mm पे। तो मैं यहाँ पे 20 mm का पॉइंट यहाँ पे भी मैं लेता हूँ और ये पॉइंट मैं इस तरीके से जॉइन करता हूँ। अभी मैं ये जो डार्क किया था मैं इरेज करता हूँ, गलती से किया था। इस तरीके से हमें ये फ्रंट व्यू दिखेगा, इस तरीके से हमें ये
फ्रंट व्यू दिखेगा। तो ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू, ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू, ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू। तो हम क्या करेंगे, अभी हम ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू। तो इसके लिए मैं टॉप व्यू के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से फ्रंट से मैं ऊपर प्रोजेक्शन लेता हूँ, यहाँ से ये प्रोजेक्शन लाइन में फैन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये जो पॉइंट है 20 mm का, इसको भी मैं फैन ड्रॉ करता हूँ, ये 25 mm का लाइन भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके बाद ये 25 mm का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 20 mm का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये लास्ट का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी ये टॉप व्यू के, ये प्रोजेक्शन फ्रंट के टॉप में लेने के बाद हमें ये व्यू टॉप से देखना है, ये ड्राइंग टॉप से देखेंगे तो हमें देखना है ये यहाँ से डिस्टेंस है 75 mm, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 50 mm। तो प्रोजेक्शन लेने के बाद ये तो 75 mm आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे कितना लेना है 50 mm। तो मैं यहाँ पे 50 mm का एक पॉइंट ले रहा हूँ और ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी लाइन को मैं पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बन गया हमारा 50x75 का बॉक्स। तो अभी हमें क्या दिखाना है, ये लाइन यहाँ से हमें दिखेगी पूरी, तो इसको मैं पहले से ही डार्क करके लेता हूँ, बाद में यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 25 mm, अंदर कितना गया है 12 mm, फिर से आगे 25 mm, फिर बाहर 12 mm, फिर बाहर 25 mm। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने प्रोजेक्शन लिया है 20 mm का, ये है यहाँ का प्रोजेक्शन, इसको ये जो प्रोजेक्शन है ये यहाँ का है, लेकिन हमें कौन सा पकड़ना है, ये 25 mm का प्रोजेक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 25 mm तक अंदर आता हूँ, फिर अंदर कितना जाना है 12 mm, तो मैं 12 mm पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, फिर से इसी लाइन को पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा 25 mm पे, ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे, फिर से मैं बाहर आऊँगा 12 mm, और ये लाइन मैं ड्रॉ करके लूँगा लास्ट तक, ये बन गया। अभी ये जो लाइन दिख रही है 25 और ये 25 टॉप से देखेंगे तो एक ही लाइन दिखेगी, हम देखेंगे ये 25 mm की लाइन और ये 25 mm की लाइन, टॉप से देखेंगे तो एक ही साथ जॉइंट दिखेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पूरी जॉइन करके लेता हूँ, और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये 20 mm की लाइन, ये 20 mm की लाइन और ये इंक्लाइन लाइन, टॉप से देखेंगे तो ये भी पूरी एक जॉइंट लाइन दिखेगी। तो इसके लिए मैं ये भी लाइन पूरी जॉइंट दिखाता हूँ डार्क। अभी यहाँ से 25 mm और यहाँ से 20 mm का ये जो पॉइंट है, ये हमने प्रोजेक्शन लिया है 20 mm का पहले से, बराबर 20 mm का प्रोजेक्शन लिया है, तो खाली हमें यहाँ पे 25 mm का पॉइंट लेना है। तो मैं यहाँ पे 25 mm का एक पॉइंट लेता हूँ, और कहाँ तक जॉइन करना है, सिर्फ यहाँ तक 20 mm तक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन के प्रोजेक्शन ले रहा हूँ ये, और जॉइन कर रहा हूँ 20 mm तक, कौन सा ये 20 का पॉइंट है, 20 mm तक। ये ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे ये जो 20 mm का पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे भी ये 20 mm की लाइन निकालनी है, जो कि हमने ये प्रोजेक्शन लिया है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे कितनी अंदर कितनी लेनी है, जितनी ये ली है लाइन 25 mm की, तो यहाँ से भी मैं ये 25 mm का पॉइंट ले रहा हूँ, और इसी से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ सीधा, और ये भी लाइन में ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये टॉप से देखेंगे तो ये बॉक्स तो दिखने ही वाला है, लेकिन ये जो इंक्लाइन पोर्शन दिख रहा है, ये टॉप से देखेंगे तो ये फ्लैट ही दिखने वाला है, टॉप से देखेंगे तो ये इंक्लाइन नहीं दिखेगा, यहाँ से देखेंगे फ्रंट से तो ये लाइन इंक्लाइन दिखेगी, लेकिन टॉप से देखेंगे तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन दिखने वाली है ये दोनों, इसलिए ये दोनों लाइन मैंने स्ट्रेट निकाली। ये बन गया हमारा टॉप व्यू। इसके बाद हमें निकलना है साइड व्यू। तो साइड व्यू क्या के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से टॉप से और ये फ्रंट से दोनों तरफ से, ये बन गया टॉप व्यू, यहाँ से हमें दोनों तरफ से इधर प्रोजेक्शन लेने हैं, क्योंकि ये साइड व्यू हमारा
जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो ये फ्रंट के लेफ्ट में ही आएगा थर्ड एंगल में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक 45 डिग्री का लाइन पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं पिछली वीडियो में देखा बताया था कैसे 45 डिग्री का लाइन निकालते हैं। ये तीनों पॉइंट से पास करेंगे तो ये 45 डिग्री का ही आने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये प्रोजेक्शन ले लिया, फिर ये प्रोजेक्शन ले लिया, फिर ये लाइन का प्रोजेक्शन ले लिया, फिर ये लाइन का प्रोजेक्शन ले लिया। अभी ये जो प्रोजेक्शन मैं ले रहा हूँ, ये 45 डिग्री की लाइन को जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ से हमें वर्टिकल नीचे लेने हैं। तो पहला पॉइंट तो ये यहाँ से मैंने ले लिया, दूसरा ये, तीसरा ये और लास्ट का ये चार प्रोजेक्शन लाइन ले ली। अभी यहाँ से भी हमें प्रोजेक्शन लाइन लेनी है, तो ये तो पहले से ड्रॉ की है, ये मैं दिखाता हूँ, ये दूसरी ये और तीसरी ये तीन प्रोजेक्शन लाइन ले ली। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये साइड से हम देख रहे हैं तो हमें ये पोर्शन दिखेगा पूरा, ये पोर्शन दिखेगा और ये पोर्शन दिखेगा, और ये जो कट किया है यहाँ से दिखेगा हमें डॉटेड, क्योंकि ये अंदर है विजिबल नहीं है, तो ये यहाँ से हमें डॉटेड दिखाना पड़ेगा क्योंकि है अंदर लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं ये वाला जो बॉक्स है नीचे वाला मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ डार्क, और ये जो पोर्शन है ये इंक्लाइन वाला, यहाँ से देखेंगे साइड से तो यहाँ पे भी हमें ये स्ट्रेट ट्री दिखेगा क्योंकि इंक्लाइन सिर्फ ये फ्रंट से दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन दिखने वाली है। तो मैं यहाँ से भी इसको ड्रॉ करके लेता हूँ और ये यहाँ से भी मैं इसको डार्क कर देता हूँ। अभी बच गया ये वाला, ये जो स्लॉट है ये कट किया हुआ, यहाँ से दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर है, तो यहाँ से हम ये डॉटेड दिखाएंगे कितने डिस्टेंस पे, ये है 12 mm पे, तो यहाँ से मैं 12 mm का डिस्टेंस लूँगा और यहाँ पे ये 12 mm की ऐसी डॉटेड लाइन आएगी। कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ये स्लॉट का प्रोजेक्शन पहले से लिया है। तो ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे ये लाइन दिखाएंगे हम डॉटेड में। इस तरह से बन गया हमारा ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये है फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू और ये बन गया हमारा साइड व्यू। ये बन गया हमारा साइड व्यू। यहाँ पे मैं डायमेंशंस दिखाता हूँ, तो ये है 25 mm का डायमेंशन, यहाँ पे कितना है 25 mm, यहाँ पे 25 mm, यहाँ पे 25 mm, ये हाइट है यहाँ पे 12 mm और यहाँ पे है 25 mm, तो ये दोनों मिला के बन गई 37। यहाँ पे मैं देखा था ये 25 mm, ये 12 mm और यहाँ पे ये है टोटल 50 mm और ये स्लॉट है 12 mm का, जो कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये स्लॉट है 12 mm का और ये है 20 mm का, जो कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सॉरी ये 25 mm का है, ये 25 mm है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये 25 mm और यहाँ पे ये है 20 mm और यहाँ पे भी है 20 mm। ये है 20 mm और ये है 20 mm। इस तरीके से ये बन गया हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सॉरी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड आपको समझ में आया रहेगा कि किस तरीके से निकलते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू नीचे आता है टॉप के और टॉप ऊपर आता है, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा अगर लेफ्ट रहेगा
ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो ये फ्रंट के लेफ्ट में आएगा। अगर ये फ्रंट रहता और ये राइट हैंड साइड व्यू रहता तो फ्रंट व्यू यहाँ पे आता और राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पे आता। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में साइड चेंज नहीं होती, लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होती है। अगर फर्स्ट एंगल में फ्रंट यहाँ पे रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ पे रहती राइट में, अगर राइट हैंड साइड रहती तो फ्रंट के लेफ्ट में रहती। थैंक यू।